आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को सारे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। आज मैंने बोर्ड में लिखा है क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड। देखिए, अभी तक मैं कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो मेरी सीरीज चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क की, इसमें मैंने आप लोग को कुछ बेसिक चीजें बताई है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, फिर स्विचिंग कैसे होती है, मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज एन आईपी एड्रेसिंग एंड सो ऑन। नाउ टुडे आई कम टू अ क्वेश्चन दैट इज, हम ये जो नेटवर्क सेट करते हैं, इस नेटवर्क को सेट करने में हमारा जो मेन मोटिव क्या है। इतना सारा कुछ नेटवर्किंग कर रहे हैं, पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया कंप्यूटर नेटवर्क, हम कंप्यूटर नेटवर्क की बातें कर रहे हैं, तो मेन क्वेश्चन हमारा है, मेन हमारा मोटिव क्या है, टू ट्रांसफर द डेटा। तो कैसे ये डेटा ट्रांसफर करते हैं, यही आज का मेरा भी क्वेश्चन है, एक सेंडर से एक रिसीवर के पास। आप सेंडर हो और आपका फ्रेंड रिसीवर है, या मैं एक सेंडर हूँ जो अपना वीडियो किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप सभी के पास सेंड कर रही हूँ, आप सारे क्या हो गए रिसीवर्स। अब मैं जो बोल रही हूँ, जो चीज मैं आपको शो कर रही हूँ, वो एक तरीके से वीडियो क्रिएट कर रही हूँ मैं, इजंट इट। तो मेरी साउंड और विजुअल्स मेरे एंड से क्रिएट होके आपके एंड तक किस तरीके से पहुंच रहे हैं, इस पूरे इंटरमीडिएट जो प्रोसेस में कितने सारे स्टेप्स होते हैं, उन सारे ही स्टेप्स के बारे में आज मेरा ये वीडियो डिस्कस करेगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दिया होगा कि मैं डेटा ट्रांसफर की अगर बात करी तो हम किस टॉपिक पे जा रहे हैं, यस द ओएसआई मॉडल। आज मेरा जो टॉपिक है वो ओएसआई मॉडल का है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो बेसिकली जो हम ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा की बात करते हैं, एक सेंडर से एक रिसीवर जो डेटा है वो ऐसे ही नहीं चला जाता। आप जो भी ट्रांसमिट करते हैं उसको आप किसी मशीन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, वो भी मशीन एक एंड पे रखी है, एक प्लेस पे, एक सिटी से आप उसको दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में फार डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं। तो ट्रांसमिशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, उसमें बहुत सारे लेयर्स होती हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती हैं। लेयर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेटा का बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरता है, जो हमारा डेटा है वो काफी सारे स्टेप्स से थ्रू होता है, देन ओनली वी गेट द फाइनल डेटा, एंड दैट डेटा इज लाइक द डेटा द सेंडर हैज सेंडेड। मतलब एग्जैक्टली हमें सेम डेटा रिसीव होता है जैसे सेंडर ने क्रिएट किया और आपको रिसीव हुआ। समटाइम इट हैपेंस कि डेटा में कुछ करप्शन, कुछ डिस्टॉर्शन होती है, बट अगेन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर एंड एवरी टाइम मेजर्स आर यूज, बहुत सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स के साथ ही डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, बट वर्स्ट केस कैन एवर हैपन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये जो बोर्ड पे एक डायग्राम सा बना रखा है, तो एक तरफ सेंडर है और एक तरफ हमारा रिसीवर है। तो सेंडर जो है वो जो डेटा को क्रिएट करता है, मतलब जैसे उसको सेंडर किसी को मैसेज सेंड करना है तो वो सेंडर हो गया, और जिसको भेजना है वो रिसीवर हो गया जो उसको रिसीव करेगा। तो सेंडर एंड पे मैंने दोनों साइड जो है सेवन लेयर्स शो कर रखी है। ओएसआई मॉडल के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सेवन फेजेस से थ्रू होता है, या सेवन स्टेप्स के थ्रू जाता है, और हर फेज को हम एक लेयर का नाम दे देते हैं। हर फेज में कुछ सर्टेन टास्क, कुछ सर्टेन फंक्शंस इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर लेयर का नाम बनता है, और डेटा में हर लेयर पे या हर स्टेप पे कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो जो भी आप मैसेज क्रिएट करेंगे वो एप्लीकेशन लेयर में के थ्रू जाएगा। अब एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर का मतलब होता है कि एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हैं, आपको अगर मैसेज सेंड करना है तो आप किस तरीके से मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, इजंट इट, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब अपने फ्रेंड्स को मैसेज करेंगे। और अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी, मैसेज आपको जनरलाइज करना है, बहुत सारे व्यूअर्स को शो करना है, लाइक आई एम डूइंग जस्ट नाउ, जैसे कि मेरा वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो इस तरीके के सिनेरियो में हम लोग जनरली यूट्यूब या कुछ चैनल्स का यूज कर लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन इंस्टाग्राम का यूज कर लेते हैं, जिससे हम अपना मैसेज को पोस्ट कर देते हैं और पब्लिक सारा कुछ, ऑल द पब्लिक कैन व्यू आवर मैसेज। तो उसके लिए भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप डेटा को सेंड करते हैं। तो ऑल दीज आर एप्लीकेशंस जो कि एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती हैं। तो हमारा मैसेज जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा
नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में होगा जैसे भी हमने क्रिएट किया है। तो एप्लीकेशन लेयर पे कुछ स्टेप्स होंगे, इनकैप्सुलेशन होगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग ऑफ डेटा, कोडिंग एक्सेट्रा। तो इस लेयर पे आपका डेटा एंटिटी के फॉर्म में, यहाँ पे डेटा में इंक्रिप्शन और इनकोडिंग वगैरह कॉन्सेप्ट का यूज होता है। बेसिकली डेटा जब ट्रांसमिट किया जाता है तो द मेन कॉन्सेप्ट इज टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट द डेटा। डेटा आपका सेंडर से रिसीवर पर ट्रांसमिट हो जाए और बीच में उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए डेटा कोई और। बहुत सारे अलग अलग फंक्शनैलिटी है जिसको अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन पे बेसिकली डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में क्रिएट किया जा रहा है। सेशन लेयर पे सेशन टू सेशन लेयर सेशन एस्टैब्लिश करा जाएगा सो दैट सेंडर एंड रिसीवर एंड्स जो सेंडर एंड रिसीविंग नेटवर्क दे कम टू नो कि एक तरीके का सेशन एस्टैब्लिश हो गया। अभी डेटा ट्रांसमिशन होने के फेजेस चल रही है। तो इस तरीके से डेटा पैकेट्स आपके ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ सेशन भी एस्टैब्लिश हो गया है और जो आपका डेटा आ रहा है वो यहाँ से यहाँ एक तरीके से डेटा ही रहेगा मैसेज पूरा। तो यहाँ पे हेडर्स और ट्रेलर्स अटैच हो जाते हैं उसमें। हेडर्स और ट्रेलर्स में बेसिकली क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग एंड के एड्रेसेस होते हैं जिससे कि मैसेज में ये क्लियर इन्फॉर्मेशन अटैच हो जाती है कि कहाँ से आया है, सेंडर कौन है और रिसीवर मतलब कहाँ पे जाना है। तो हर लेयर अपना एक हेडर और एक ट्रेलर उस पर्टिकुलर मैसेज के साथ अटैच कर दी जाती है। तो सबके जैसे कि आपका एक मैसेज है एम मैसेज हो गया तो एप्लीकेशन लेयर का हेडर और एप्लीकेशन लेयर का ट्रेलर अटैच हो गया। उसके आगे प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर और प्रेजेंटेशन लेयर का ट्रेलर अटैच हो जाएगा। फिर उसके आगे सेशन लेयर का हेडर और सेशन लेयर का ट्रेलर अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा मैसेज जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हार्ड ऑफ दी इंडिया का पूरा एंड टू एंड डिलीवरी करवाती है डेटा पैकेट्स की या मैसेजेस की, पूरा एंड टू एंड कनेक्शन देती है। और इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है आपस में, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। पोर्ट बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस क्या होता है, जो डेटा सेंड करने वाला प्रोसेस है, ठीक है, तो उसका अपना पर्टिकुलर कुछ पोर्ट नंबर होता है और रिसीविंग एंड पे भी प्रोसेस होता है उसका भी अपना पोर्ट नंबर होता है। तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे डेटा ट्रांसमिशन का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं या अगर हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज आता है, इज़न्ट इट। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे भी हमारे एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को प्रेजेंटेबल बनाया जाएगा, दे आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर। सेशन एस्टैब्लिश करने के लिए भी सेशन का कुकीज वगैरह का यूज करते हैं, वो भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम्स है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस जो होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ तक हमारे सॉफ्टवेयर की बात आती है कि सॉफ्टवेयर सेंडर से रिसीवर दोनों एंड पे सॉफ्टवेयर है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तभी तक सॉफ्टवेयर का रोल आया। अब नीचे आपका यहाँ तक हार्डवेयर का रोल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में पूरे मैसेज के सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के जो सेगमेंट्स हैं इनमें भी हेडर और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर और ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रेलर अटैच हो जाता है। फिर ये सेगमेंट जो है आपके अलग अलग पैकेट्स में ब्रेक कर दिए जाते हैं, P1 P2 इस तरीके से बहुत सारे इनके पैकेट्स बना दिए जाते हैं। और हर पैकेट में फिर नेटवर्क लेयर अपना हेडर, नेटवर्क HN का मतलब हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर और H ट्रेलर ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हर पैकेट में अपना हेडर और ट्रेलर अटैच कर देती है। उसके बाद ये पैकेट जो है आपके फिर ब्रेक हो जाते हैं फ्रेम्स के फॉर्म में। बहुत सारे फ्रेम्स बन जाते हैं और वो फ्रेम्स बनते हैं आपके डेटा लेयर। नेटवर्क लेयर जो है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाती है थ्रू द यूज ऑफ राउटर्स। तो राउटर्स आप लोग ने मेरे नेटवर्क कंपोनेंट वाले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो चेकआउट दिस लिंक साइड में आ रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाट आर द राउटर्स, राउटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये एक रूट एस्टैब्लिश करते हैं, राउटिंग टेबल्स का यूज करते हैं और पाथ डिफाइन करते हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे जाता है, ये आपका लिंक टू लिंक कनेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे नेटवर्क में, हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है। तो अलग अलग लिंक पे डेटा सेंड करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। तो फ्रेम्स ट्रांसमिट होते हैं और फिजिकल लेयर पे ये फ्रेम्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स के फॉर्म में 0101 एंड सो ऑन। ये बिट्स जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, दे आर लाइक इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसमिशन मीडिया पे सिग्नल्स के रूप में वर्क करती है और जाती है दूसरी साइड जो कि है आपका रिसीविंग है। तो एप्लीकेशन ट्रांसमिशन मीडिया पे आपका
सिग्नल वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक वेव ज्यादा यूज होती है हमारी कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, तो रेडियो वेव इस तरीके से पल्सेस के फॉर्म में बनके और ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये हमारी जो पल्सेस है 01, ये 0 है, ये 1 है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से लेकर चेक करेगा हेडर और ट्रेलर ऑफ द फिजिकल लेयर। तो पहले वो हेडर और ट्रेलर को रिमूव करेगा, फिजिकल लेयर वाले हेडर ट्रेलर को रिमूव करेगा और इन बिट्स को कंबाइन करेगा फ्रेम्स के फॉर्म। अब ये बिट्स बन जाएंगी आपकी फ्रेम्स और फ्रेम्स बनाने के बाद डेटा लिंक लेयर पे पहुंचेगा मैसेज। तो ये डेटा लिंक लेयर हर फ्रेम के हेडर ट्रेलर को रिमूव करेगा और इसको आगे सेंड कर देगा थ्रू द लिंक्स, जो लिंक एस्टैब्लिश है उस लिंक के थ्रू फ्रेम्स यहाँ जाएंगे, यहाँ पे फ्रेम्स बन जाएंगे, पैकेट्स कंबाइन हो गए, बहुत सारे फ्रेम जो है वो कंबाइन हो गए, जैसे F1 F2 इस तरीके से कंबाइन हो गए और एक पैकेट बन गया, दो फ्रेम्स का या तीन फ्रेम्स का एक पैकेट बन गया, ठीक है। इसमें से आपने हेडर ट्रेलर रिमूव करा डेटा लिंक लेयर पे, फिर नेटवर्क लेयर पे भी हेडर ट्रेलर रिमूव करा जाएगा जो नेटवर्क लेयर ने अटैच करा था, फिर आगे जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पे जो हमारे ये बहुत सारे पैकेट्स कंबाइन हो जाएंगे और सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने हेडर और ट्रेलर अटैच करा था वो वाला रिमूव कर देगी, उसके बाद ये जो सेगमेंट्स है कंबाइन होके बन जाएंगे आपके, जो मैसेज आपने भेजा था सेंडर ने वो मैसेज के फॉर्म में बन जाएगा। सेशन जो स्टैब्लिश हुआ था वो अभी भी स्टैब्लिश है और वो जब तक पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं होता सेशन आपका बना रहता है। फिर यहाँ पे आके मैसेज में डिक्रिप्शन और डिकोडिंग हो जाती है प्रेजेंटेशन लेयर पे, है ना। यहाँ पे क्या करा था, इंक्रिप्ट करा था मैसेज को फॉर द सिक्योरिटी रीजन और इनकोडिंग करी थी कोड्स में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे क्रिएट करा वैसा ही रिसीवर को मिल जाए। तो यहाँ पे ये काम होता है और हेडर और ट्रेलर रिमूव करते हैं, उसके बाद फाइनली जिस भी एप्लीकेशन में सेंड किया है जीमेल में कराया तो मेल बन जाएगा या व्हाट्सएप का मैसेज या वीडियो या यूट्यूब का वीडियो व्हाटएवर। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू 7 स्टेप्स। तो पहले OSI मॉडल का यूज होता था, वहां पे अलग अलग काम के लिए 7 लेयर्स ऑफ फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे मैंने ये दिखा रखा है, एक तरीके से हमारे ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। ये कोई भी केबल हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्विस्टेड पेयर या ऑप्टिकल फाइबर कोई भी केबल हो सकती है। ये बेसिकली हमारी फिजिकली मतलब हार्डवेयर है, फिजिकली डेटा का ट्रांसमिशन का काम करती है। डेटा जो आपका ट्रांसमिट होता है 0101 के फॉर्म में इस तरीके से जाके और रिसीविंग एंड पे हमारा रिसीव होता है। यहाँ पे फिजिकल लेयर पे बिट्स की बात करते हैं, बिट्स जो है आपकी इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में सेंड या रिसीव करते हैं। डेटा बेसिकली जब सेंड करते हैं तो मेन पॉइंट होता है हमारा डेटा रेट। तो जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो बेसिकली मैट्रिक्स इन्वॉल्व होती है बिट्स पर सेकेंड। हम लोग भी स्पीड्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, MBPS कहते हैं ना या GBPS कहते हैं। ये क्या होता है MBPS, GBPS जैसे मेगाबिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स पर सेकेंड। क्या होता है कि पर सेकेंड आपकी कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, जितनी ज्यादा बिट्स ट्रांसमिट होती है उतनी ज्यादा आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया एफिशिएंट माना जाता है या अच्छा नेटवर्क होता है। इसमें ही इसी पर्टिकुलर लेयर पे ही बहुत सारी टोपोलॉजीज इन्वॉल्व है। तो बेसिकली फिजिकल लेयर आपका एक तरीके से पूरा हार्डवेयर सेटअप है नेटवर्क्स का, किस तरीके से कंप्यूटर्स का कनेक्शन होगा, किस तरीके से फिजिकली हम उन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो जो टोपोलॉजी एक तरीके से क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर, बैकबोन है, स्ट्रक्चर है, कैसे आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा है रिंग के फॉर्म में, स्टार ट्री बस। टोपोलॉजी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जिसमें सारी डीप टोपोलॉजीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो चलिए अब मैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिजिकल लेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया फिजिकल लेयर बेसिकली फिजिकली डेटा को ट्रांसमिशन का काम करती है या हॉप टू हॉप डिलीवरी करने का काम करती है। इसमें फ्रेमिंग होती है, जो बहुत सारी बिट्स है वो आपकी कंबाइंड हो जाती है फ्रेम्स के फॉर्म में, जैसे ये थोड़ी सी बिट्स को कर दिया, फिर इस तरीके से छोटे छोटे कॉम्बिनेशन जो ग्रुप्स होते हैं उनको फ्रेम्स कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, इसमें बिट स्टफिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है, हैमिंग कोड्स वगैरह का यूज होता है। फिर फ्लो कंट्रोल, बेसिकली फ्लो कंट्रोल क्या करा जाता है कि सेंडर और रिसीवर का जो रेट ऑफ डेटा बिट्स एब्जॉर्प्शन, सेंडर ने सपोज सेंडर की जो स्पीड है वो आपकी MBPS के फॉर्म में है और रिसीवर की स्पीड है GBPS के फॉर्म में, तो डेटा का जो ट्रांसमिशन है उसमें मिसमैच होने लग जाएगा, यहां से डेटा सेंड नहीं हुआ और ये ज्यादा रिसीव कर रहा है, या फिर इसका अगर उल्टा है ये GBPS है और ये आपका MBPS है, तो रेसिपिएंट की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन द बिट्स कम है तो वो धीरे धीरे करके बिट्स को रीड कर पा रहा है,
ये बहुत तेजी से कर रहा है। जैसे कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ बोलने लग जाए तो टीचर को किसकी बात समझ में आएगी, किसी की नहीं। तो अगर एक साथ आपको बहुत सारी मैसेज एक साथ रिसीव होने लग जाए तो आप किसका मैसेज देखेंगे, कुछ का देखेंगे कुछ का छोड़ेंगे। वही यहाँ पे भी है कि रिसीवर के पास रेट ऑफ रीडिंग द मैसेज अगर उससे कम है तो सेंडर जो मैसेज भेज रहा है हो सकता है कुछ मैसेजेस मिस आउट हो जाए। तो इसीलिए फ्लो कंट्रोल करा जाता है कि सेंडर और रिसीवर जो डेटा भेज रहे हैं, जितना डेटा क्रिएट करा जा रहा है उतना पूरा रिसीव हो जा रहा है रिसीवर के एंड पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल करा जाता है। उसके बाद एरर कंट्रोल बेसिकली यहीं पे आता है कि जब रिसीवर कुछ डेटा मिस आउट कर देता है तो कुछ बिट्स मिलती ही नहीं, कुछ करप्ट डेटा रिसीव होता है, तो वहां पे एरर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है जो कि यही लेयर देखती है। और नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल कि हु कैन रीड द मैसेज, तो जिसके लिए मैसेज आपने क्रिएट किया वही रीड कर रहा है या कोई और रीड कर रहा है। तो इस तरीके से एक्सेस कंट्रोल भी ये लेयर ही सपोज नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, तो एक फ्रेम है F1, अगर ए को F1 मैसेज भेजना है बी को तो वो क्या करेगा, एक लिंक स्टैब्लिश करेगा A to B, यहां से यहाँ एक लिंक स्टैब्लिश हो गया और इस फ्रेम में ए और बी एड्रेस अटैच हो गया। ए और बी क्या है, ये मैक एड्रेस है डिवाइस ए और बी का। मैक एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस में NIC कार्ड होता है। NIC कार्ड बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो उस पर्टिकुलर डिवाइस, जब भी आप किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टर्स को NIC के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो NIC जो है वो मैन्युफैक्चरर उसमें अपना एड्रेस, मतलब मैन्युफैक्चरर कुछ एड्रेस देती है, NIC का कुछ नंबर होता है, दैट इज व्हाट इज मैक एड्रेस, उस डिवाइस का वो मैक एड्रेस हो जाता है। डिवाइस का एड्रेस मैक एड्रेस ये सारी एक ही बातें हैं। तो वो एड्रेस आपका लिंक टू लिंक ट्रांसमिशन में यूज होता है। तो ए टू बी जब आप डेटा सेंड करेंगे तो ए का मैक एड्रेस और बी का मैक एड्रेस इसके आगे पीछे लग जाएगा। ऐसे जब आप यहाँ सी पे भेजेंगे तो ये दूसरा लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है तो यहाँ पे ए और सी का मैक एड्रेस लगेगा। तो इस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर वाले जो लिंक है खाली लिंक टू लिंक डिलीवरी हो रही है अभी। जैसे अगर आपका पूरा मैसेज भेज रहा है ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है, तो यहां से यहां लिंक क्रिएट हुआ, उसके बाद जब ये डेटा यहां जाएगा तो अब ये फिर चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये बी F1 और D। अब A हट गया इस तरीके से, या अगर ये भेजेगा C, कोई भी भेज सकता है, ये C भेजेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C। तो हर बार लिंक क्रिएट होते हैं नए और फिर वो लिंक हट जाते हैं। तो लिंक पे मैक एड्रेसेस का यूज होता है सेंडर और रिसीवर एंटिटी का। तो चलिए नेक्स्ट लेयर पे बढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन ओवर द फुल नेटवर्क, मतलब पूरा नेटवर्क जो एस्टेब्लिश्ड है उसमें ट्रांसमिशन की बात करती है ये लेयर। तो डेटा आपका पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे डेटा लिंक लेयर आपकी लिंक टू लिंक कनेक्शन करती है, ऑफ टू ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेजेस करती है, लेकिन नेटवर्क लेयर जो है पूरे नेटवर्क पे कनेक्शन स्टैब्लिश करती है और एक जगह से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसमिशन ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो अगर आपके दो अलग अलग नेटवर्क है, ये है नेटवर्क वन इस तरीके से, तो इसका एक राउटर लगा है ये, और एक दूसरा नेटवर्क है इसका ये राउटर लगा है R2, ये है आपका नेटवर्क टू, तो इनके बीच में कनेक्शन होगा और यहां से यहां, मतलब नेटवर्क वन का डेटा आएगा R1 के थ्रू, R1 से जाएगा R2 के पास, और R2 जो है N2 में, नेटवर्क टू में डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो ये इसके लिए राउटर्स का यूज होता है, प्रोटोकॉल्स है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द प्रोटोकॉल्स हियर, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसिंग, इसका ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे तो आप उसे चेक कर सकते हैं, IPv4 बहुत सारे एड्रेस हियर हमारी बेसिकली एक सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पूरा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मेनली इसमें राउटिंग का काम होता है, डेटा को एक राउटर से दूसरे राउटर पे कैसे डेटा एक्चुअल में ट्रांसमिशन कैसे करा जाएगा, राउटर्स कैसे कनेक्ट होंगे, राउटिंग टेबल्स का यूज होगा, कौन से प्रोटोकॉल्स का ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट बेसिकली हार्ट ऑफ द नेटवर्क, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये है हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जब आपको कनेक्शन करना है। मैंने आप लोगों को ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर की बात आने लग जाती है, तो एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर, सेंडर एंड के से रिसीवर एंड के सॉफ्टवेयर पे जो डिलीवरी करी जाती है तो बेसिकली वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आता है। उसके लिए मेनली दो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, TCP एंड UDP, ये भी अलग अलग पोर्ट्स भी कहलाते हैं, इनका नंबर होता है 65 और इसका नंबर होता है 536 पोर्ट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। इनका यूज करके ये है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, क्या करते हैं इनके एप्लीकेशन क्या है एंड सो ऑन। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज करा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट इज पैकेट्स आर कंबाइंड इनटू सेगमेंट्स, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का भी काम होता है, जो आपके पैकेट्स नेटवर्क लेयर से आ रहे थे वो पैकेट्स को ये
कंबाइन करके सेगमेंट्स बना देती है और उनको फिर असेंबल कर देती है। एड्रेसिंग मतलब एक सर्विस से सर्विस वन टू सर्विस टू, इसको आप वही कह सकते हैं प्रोसेस, सेंडर एंड के सर्विस से रिसीवर एंड के सर्विस पे कनेक्ट करवाती है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्शन कंट्रोल। तो कनेक्शन कंट्रोल बेसिकली जो डेटा ट्रांसमिशन होगा दैट कैन बी थ्रू अ फिजिकली कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ पहले, ठीक है, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। ये चीज भी मैंने डिस्कस करी थी स्विचिंग में, कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिकली हम लोग सर्किट स्विचिंग के केस में करते हैं जहां पे पहले हमारे को कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जैसे कि हम वॉइस कॉल की बात, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उसके बाद डेटा सेंड किया जाता है, तो वो होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस मतलब आपने जिसको मैसेज भेजा वो पर्सन अभी ऑनलाइन हो चाहे ना हो, अगर आप उसको मैसेज करा या ईमेल करा तो आप मैसेज कर देंगे, जब भी वो ऑनलाइन आएगा वो मैसेज चेक कर लेगा। तो ये आपका कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है जिसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ता, डेटा को आप ट्रांसमिट कर देते हैं, डेटा आपका रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाता है। फिर लास्ट में है इसमें फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। जैसे डेटा लिंक लेयर पे मैंने बताया था वही सेम चीज भी है यहाँ पे। फ्लो कंट्रोल में क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर पे बीपीएस चेक किया जाता है, बिट्स पर डेट सेंडर का और रिसीवर का मैच कर रहा है कि नहीं, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल कराया जाता है कि जो भी सेंडर मैसेज क्रिएट कर रहा है वो रिसीवर पूरा रिसीव कर ले, कोई मिस आउट ना हो। तो उसके लिए भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज होता है, वो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। एंड लास्ट इज द एरर कंट्रोल, यहाँ पे चेकसम्स वगैरह का यूज करते हैं ये कि डेटा में कुछ डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे, तो उनका यूज करके डेटा में एरर को कंट्रोल किया जाता है। तो सेशन लेयर पे डायलॉग कंट्रोलर होता है, एक सेंडिंग एंड से दूसरे एंड पे जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अगर जब सेंडर भेज रहा है तभी रिसीवर भी उसको रिसीव कर ले रहा है, मतलब एक बार में एक ही जगह सेंड कर रहा है, सेंडर भेज रहा है रिसीवर खाली सुन रहा है, तो ये आपका क्या होगा हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। और ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स में हमारा चैनल खाली सेंड कर सकता है या खाली रिसीव कर सकता है, ड्यूप्लेक्स में चैनल हमारा दोनों काम कर सकता है सेंड एंड रिसीव, पर हाफ ड्यूप्लेक्स में एक बार में चैनल में एक ही काम होगा, अगर डेटा सेंड हो रहा है तो सेंड ही होगा, रिसीव हो रहा है तो रिसीव, सेंडर बोलेगा या रिसीवर बोलेगा। और फुल ड्यूप्लेक्स में दोनों साइमल्टेनियसली सेंड भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है डायलॉग कंट्रोलर कि हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है या फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिशेस मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेस। तो ये डेटा को एस्टैब्लिश मेंटेन करता है, कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक सेंडर ने एक बहुत बड़ी सी फाइल भेजी जिसमें 2000 बिट्स हैं, सपोज 2000 बिट्स की एक फाइल भेजी, अब इन बिट्स को ब्रेक करके फ्रेम्स के फॉर्म में भेजा जा रहा है, तो हर 100 बिट के बाद एक चेकसम या चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट से पता चल जा रहा है कि डेटा आपका सिंक्रोनाइज है, पहुंच रहा है टाइमली कि नहीं। तो सपोज आपकी 523 के बाद कोई क्रैश हो जाए, मैसेज में क्रैश आ जाए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीसेंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि हर 100 बिट के बाद चेक पॉइंट है, तो चेक पॉइंट से आपको पता चल जाएगा डेटा आपका कहां से करप्ट हुआ। तो खाली 501 से लेके 523 तक के जो मैसेजेस हैं या बिट्स हैं उनको सेंड कर दिया कर सकते हैं, और बाकी जो पहले इससे आ गए थे वो तो उस पर इंटैक्ट रिसीव हो गए, और फिर 523 के बाद दोबारा से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करके ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चेक पॉइंट का ये बेनिफिट है कि मैसेजेस सिंक्रोनाइज, रिसीवर को पता चलता रहता है कि सेंडर को भी पता चलता रहता है, सॉरी रिसीवर को नहीं, इनका जो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि चेक पॉइंट टेल द सेंडर दैट डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है, रिसीवर इज गेटिंग द मैसेज। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, डेटा में सिंटेक्स और सिमेंटिक्स जो है वो बनाई जाती है, डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया जाता है कि नेटवर्क में हमें जो डेटा भेजना है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है या उसकी ग्रामर है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। यहीं पे डेटा में इंक्रिप्शन का भी काम आता है, अगर डेटा में आपको सिक्योरिटी पर्पसेस की बात आती है या डेटा में हम ये कहें कि हमें डेटा सिक्योर सीक्रेटली भेजना है, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है इसी लेयर पे, और कंप्रेशन भी करते हैं कि डेटा आपका कम स्पेस लेके या कम बिट्स का यूज करके एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो जाए। लास्ट लेयर दैट इज द एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, ईमेल, एफटीपी, रिमोट फाइल ट्रांसफर, ये सारी यूज होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज होती है टू यूज बाय द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर ईमेल के थ्रू, फाइल ट्रांसफर एफटीपी के थ्रू, और भी इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं
टेलनेट हो गया, टेलनेट भी होता है एक तरीके से, और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शेयर DBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो है आपकी एप्लीकेशन लेयर पे यूज होती हैं टू फाइनली सेंड और रिसीव द डेटा। तो आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लेयर्स वेल। अगर आप लोग के कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे इन जो भी मैंने आपको समझाया है तो इससे रिलेटेड PDF के नोट्स आप लोग चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको जल्दी वो उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या सारी नोट्स आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। तो